हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप शो के देखिए सतमा चरण से बाहरी से रिलेटेड आपको अपडेट कराते हैं लिखा हुआ है सतमा चरण स्कूलवार रिक्ति पर बहाली देखिए स्कूलवार रिक्ति पर बहाली का मतलब क्या हुआ कि स्कूल में कितना रिक्त है उसके अनुसार बहाली उसको पढ़ के बताते हैं उसके बाद फिर आपको समझाते हैं लिखा हुआ है कि सातवें चरण में नियोजन इकाई बार नहीं बल्कि स्कूलवार रिक्ति मिलेगी इस रिक्ति पर संबंधी स्कूल में शिक्षकों की बहाली भी होगी मंगलवार को मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले के डी स्थापना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सातवें चरण के नियोजन की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया गया है प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि इस बार नियोजन इकाईवार रिक्ति की बजाय स्कूलवार रिक्ति का आकलन विभागीय स्तर पर होगा और इसकी निगरानी होगी पिछले कई चरणों में बहाली के बाद भी कई स्कूलों में शिक्षक नहीं मिलने का मामला सामने आने पर विभाग ने यह बदलाव किया है छठे चरण की बहाली के बाद भी छात्र अनुपात में शिक्षक दिए नहीं गए यानी स्कूल में कितना जरूरत है शिक्षक का उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा कि मतलब बहाली होगा समझे तो वही मतलब वही ना छात्र और शिक्षक के अनुपात में क्या रहा है कि मतलब रिक्ति निकाला जा रहा है समझे छठे चरण के बहाली के बाद भी छात्र अनुपात में शिक्षक नहीं दिए गए हैं कई स्कूल में छात्र संख्या अनुपात में अधिक शिक्षक है तो कई जगह कम ही रह गए हैं ऐसे में इस बार की बहाली में स्कूलवार रिक्ति के आधार पर छात्र अनुपात में ही नियोजन इकाई किया जाएगा जिले में छठे चरण के बाद रिक्ति ही अभी विभाग को भेजी गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्कूलवार रिक्ति भेजने के लिए एक सप्ताह का समय अधिकारियों को दिया गया है डीपीओ स्थापना अमरिंदर पांडे ने बताया कि सभी प्रखंड से स्कूलवार छात्र अच्छा अनुपात में रिक्ति ली जा रही है देखिए इसका कहने का मतलब क्या है अब, अब इसको समझिए देखिए देखिए जैसे छठा चरण का बहाली हुआ तो जैसे नियोजन इकाई था जिसे हर पंचायत में नियोजन इकाई बनाया गया था तो उससे क्या हुआ कि मतलब टीचर का कितना सीट है कितना जरूरी है पता नहीं चल रहा था कितना स्कूल में कितना टीचर चाहिए तो इस बार सतवाँ चरण में क्या होगा कि किस स्कूल में कितना शिक्षा की कमी है इसका कैसे पता चलेगा तो वो आपका छात्र के अनुपात से मतलब मान लीजिए जैसे आपका रखना है तीस पर एक स्टूडेंट रख मतलब तीस पर एक शिक्षक रखना है तो जितना स्टूडेंट होगा उससे मतलब तीस से भाग देगा उतना टीचर की आवश्यकता है समझ गए तो ऐसे करके निकाला जाएगा तो वही है कि सातवां चरण स्कूलवार रिक्ति पर बलें स्कूलवार होगा तो सब स्कूल को जितना टीचर की आवश्यकता है उतना टीचर मिल जाएगा तो अंदाज लग जाएगा कि जितना इस, स्कूल में एडमिशन होता है तो उतना टीचर का रिक्ति वहाँ दिया जाएगा मतलब तो वो आपका पूरा भी हो जाएगा वो चीज़ आपका स्कूल को फ़ायदा भी हो जाएगा समझे निवेदन इकाई में क्या होता था कि कोई स्कूल में ज़्यादा शिक्षक चल जाते थे कोई स्कूल में शिक्षक रहते ही नहीं थे समझे ये सब समस्या आ जाता था तो ये सब समस्या को दूर करने के लिए क्या हुआ है कि स्कूल व रिक्ति पर बहाली होगी सतवा चरण में सतवा चरण जल्दी ही आएगा तो देखिए कितना जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और देखिए ऑनलाइन हुआ कि ऑफलाइन इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे समझ गए तो ठीक है तो थैंक यू